अस्सलाम वालेकुम गाइज एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो एडिटिंग ट्यूटोरियल। तो गाइज आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप लोग इस तरीके से कैसे वीडियो बना सकते हैं जो कि टिकटॉक पे काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रही हैं। ऑलरेडी मेरी काफ़ी सारी वीडियो मौजूद हैं लेकिन आज की वीडियो काफ़ी डिफरेंस है। तो इस तरह एक टिकटॉक आईडी है भट्टी साहब 01 जो इस तरह के बाइक वाली वीडियो बनाते हैं और इस तरह से इफेक्ट लगाते हैं। तो आज आप लोगों के लिए वही ट्यूटोरियल लेके आया हूँ कि आप लोग भी इस तरह के सिंपल को मेथड को यूज़ करके इस तरह की वीडियोज़ कैसे बना सकते हैं। तो गाइज सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने अलाइट मोशन में इसका काम है, आप लोगों ने अलाइट मोशन को ओपन कर लेनी है। ओपन करने के बाद आप लोगों ने नीचे यहाँ पे प्लस वाला आइकन है इसके ऊपर क्लिक करना है। टिकटॉक वाली रेशो और ब्लैक इफेक्ट आप लोगों ने चूज़ करके क्रिएट प्रोजेक्ट पे आप लोगों ने क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे नीचे आप लोगों को प्लस वाला आइकन नज़र आ रहा है, आप लोगों ने सिंपली इसके ऊपर क्लिक करना है और वीडियोज़ वाले ऑप्शन में आना है और यहाँ से आप लोगों ने कोई सी अपनी वीडियो सेलेक्ट करनी है जिस पर आप लोग ब्लैक इफेक्ट लगाना चाह रहे हैं। ठीक है, तो सिंपली मैं यहाँ से एक वीडियो सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद इसके ऊपर यहाँ पर इस तरह से टैप करेंगे तो यह सेलेक्ट हो जाएगी। इस तरह से आप लोगों के पास यहाँ पे देखें एक सिंपल वीडियो है, तो सिंपल वीडियो को हम ऊपर ब्लैक इफेक्ट लगाएंगे। तो गाइस आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे स्टार्ट में आना है, यहाँ पे प्लस वाले आइकन पे क्लिक कर देना है और यहाँ से ये वाला रेक्टेंगुलर आप लोगों ने चूज़ कर लेना है। इसको फिंगर की मदद से इस तरह से आप लोगों ने इसके ऊपर बिल्कुल फुल कर देना है। फुल करने के बाद इसी के ऊपर टैप करना है, मतलब आप लोगों के पास इसी के ऊपर टैप होना चाहिए और इसको बिल्कुल वीडियो के एंड तक ले जाएँ और ये वाला आप लोगों ने यहाँ पर इस तरह सेलेक्ट करेंगे तो ये फुल वीडियो के ऊपर आ जाएगा। अब आप लोगों ने ब्लेंडिंग वाले ऑप्शन में आना है और यहाँ पे नीचे आप लोगों ने डिफरेंस वाले ऑप्शन में चले आना है और यहाँ पे थर्ड वाले सब्सट्रैक्ट वाले ऑप्शन पे आके आप लोग इस तरीके से क्लिक करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा। देन आप लोगों ने क्या आना है, यहाँ पे स्टार्ट में आना है। स्टार्ट में आने के बाद अब आप लोगों ने यहाँ पे क्या करना है, इफेक्ट लगाना है, इसके ऊपर सेलेक्ट करना है रेक्टेंगुलर को इफेक्ट में चले आना है। इफेक्ट में आने के बाद एड इफेक्ट पर आप लोगों ने क्लिक कर देना है और यहाँ पर आप लोगों के इफेक्ट ब्राउजर नज़र आ रहा है, आप लोगों ने सर्च में यहाँ पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप लोगों ने कॉपी लिखना है, सी ओ लिखेंगे तो आप लोगों के पास सिंपल पहला इफेक्ट आ जाएगा कॉपी बैकग्राउंड का। आप लोगों ने इसी के ऊपर सेलेक्ट कर देना है। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे स्टैंडर्ड सेटिंग के ऊपर क्लिक कर देना है तो ये सिंपली इस तरीके से ऐड हो जाएगा। अगेन आप लोगों ने यहाँ पे एरो की वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, ऐड इफेक्ट पे आप लोग दोबारा क्लिक करेंगे तो दूसरा इफेक्ट आप लोगों ने लगाना है। यहाँ पर ऐड इफेक्ट पर क्लिक करेंगे, सर्च इफेक्ट में आप लोगों ने क्लिक करना है और यहाँ से आप लोगों ने जो है दूसरा इफेक्ट जो है कर लेना है जिसका नाम है गैजियन जीए लिखेंगे। जीए लिखेंगे तो इस तरीके से आ जाएगा। स्टैंडिंग सेटिंग पर क्लिक करेंगे तो ये इस तरीके से कुछ इसके ऊपर आ जाएगा। थर्ड नंबर पे आप लोगों ने ऐड इफेक्ट पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद वही सर्च वाले ऑप्शन में आना है और यहाँ से आप लोगों ने तीसरा इफेक्ट सर्च कर लेना है, उसका नाम है आप लोगों का एक्सपोजर गमा। इसके ऊपर आप लोग सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे स्टैंडर्ड सेटिंग आ जाएगी, आप लोगों ने अगेन इसके ऊपर क्लिक करना है तो ये कुछ इस तरीके से ऐड हो जाएगा। अब गाइज आप लोगों ने इसके एडजस्टमेंट करनी है, आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे कुछ इस तरीके से वीडियो आ गया है, एडजस्टमेंट करनी है तो आप लोगों ने क्या करना है, रेक्टेंगुलर के ऊपर क्लिक करेंगे, इफेक्ट में आना है, पहले छोड़ देना है, दूसरे गैजियन ब्लर में आना है। पहले हम सिंपली इसको यहाँ पर ऐड करेंगे, फर्स्ट करें हम करते हैं 250 तो इसको आप लोगों ने यहाँ पर 0.250 कर देना है। ठीक है, या 230 कर दें या मतलब जिस तरीके से अभी हम एडजस्ट करेंगे अपनी वीडियो के हिसाब से बाद में करेंगे। अब यहाँ पे एक्सपोजर गामे में आना है और एक्सपोजर को आप लोगों ने -10 तक कर देना है, इससे कम करें, इससे ज़्यादा नहीं करेंगे आप लोगों के वरना थोड़ी वाइट हो जाएगी इस तरीके से वीडियो। तो गाइज इस एक्सपोजर का आप लोगों ने इसी तरीके से कर देना है, मैंने 0.07 तक कर देना है। इसके बाद आप लोगों ने गामा पे आना है और यहाँ पे आके आप लोगों ने इसको 100 तक रहने दें तो बेहतर है वरना 100 से कुछ पीछे आएँ और बाद में आप लोग वीडियो को आए आप लोगों ने एडजस्ट कर देना है। तो गाइज सिंपली फिलहाल मैं 9 जो है इसको यहाँ पर कर देता हूँ। ठीक है, इस तरीके से करने के बाद ऑफसाइड को कहूँगा कि आप लोगों ने बिल्कुल भी इसको छेड़ना नहीं वरना आप की वीडियो ख़राब हो जाएगी। तो गाइज कुछ इस तरीके से आ चुका है, अब हमने इसकी थोड़ी और एडजस्टमेंट करनी है। अब जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखें अब हमने 0.02 कर दिया इसको, ठीक है, या 0.03 करना है माइनस या 0.08 आपने अपनी वीडियो के हिसाब से करना है। मेरी वीडियो जैसी है मैं ऐसे कर लेता हूँ, गैजियन ब्लर है तो यहाँ पे देखें आप काफ़ी ब्लैक करना चाहें तो इसको आप लोगों ने कम कर देना, मतलब 250 पहले किया था आप 0.125 कर देना है या 70 कर देना है। तो कुछ इस तरीके से आप लोगों की अब वीडियो आ चुकी। अब मेरी ग्रीनरी है वीडियो में तो अब पार्ट बहुत ज़्यादा अहम है, आप लोगों ने क्या करना है, प्लस वाले आइकन पर क्लिक करके रेक्टेंगुलर और एक यूज़ कर लेना है, यहाँ पे कलर में आना है, वाइट में आना है और यहाँ पे आप लोगों ने इस तरीके से करना है, ब्लेंडिंग में चले जाना है। तो ब्लेंडिंग में आप लोग आएंगे तो यहाँ पे आप लोगों को नज़र आएगा कंट्रास्ट और यहाँ पे आपने ओवरले पे क्लिक कर देना है और इसको इस तरीके से आप लोग सिंपली एडजस्टमेंट आप लोग अपने हिसाब से कर सकते हैं और इसको आप लोगों ने ड्रैग करके वीडियो के यहाँ पर एंड तक आप लोगों ने ले जाना है।
तो गाइज़ कुछ इस तरीके से हमारे यहाँ पे वीडियो आ चुके हैं। अब बहुत ही अहम पार्ट है, आप लोगों ने इसको मिस नहीं करना। तो आप लोगों ने अब क्या करना है, अब यहाँ पे जो है आप लोगों ने वीडियो के नीचे आप लोगों ने वीडियो के ऊपर क्लिक कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे ग्रीनरी हमने ख़त्म करनी है, ब्लैक करना है इसको, इसके ऊपर क्लिक करना है, ऐड इफेक्ट में चले आना है, ठीक है। इफेक्ट में आप लोगों ने आना है, इफेक्ट में आने के बाद ऐड इफेक्ट पर क्लिक करना है, सर्च ब्राउज़र में आना है और यहाँ पर आके आप लोगों ने एक इफेक्ट सर्च करना है। आप लोगों ने कि सैचुरेशन SAT लिखेंगे तो इस तरीके से आ जाएगा, प्लस वाले आइकन पे मतलब स्टैंडर्ड सेटिंग पे क्लिक करना है। अब सैचुरेशन जो है अभी फ़िलहाल आप लोगों ने यहाँ पे प्लस कर देना है, प्लस 50 आप लोगों ने यहाँ पे करना है इसको, और नीचे वाला वाइब्रेंस आप चाहें तो यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप लोगों ने इसको छोड़ देना है। और जो सैचुरेशन है ये आप लोगों का प्लस 50 होना चाहिए, ठीक है गाइस। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर ये आ चुका है, ठीक है। इस तरीके से आने के बाद अब आप लोगों ने यहाँ पे बैक आना है और अगेन ऐड इफेक्ट पे क्लिक करना है और एक और इफेक्ट लगाना है जिसका नाम है चैनल रीमैप। आप लोग यहाँ पे सर्च में आएंगे और चैनल यहाँ पे आप लोग CH जैसे लिखेंगे तो कुछ इस तरीके से पहला आ जाएगा। आप लोगों ने इसके ऊपर सेलेक्ट करना है, स्टैंडर्ड सेटिंग के ऊपर क्लिक करना है तो कुछ इस तरीके से आ जाएगा। इसके ऊपर क्लिक करना है तो RGBA है, तो आप लोगों ने क्या करना है, RGGA आप लोगों ने सेलेक्ट करना है। तो ये कुछ इस तरीके से आप लोगों का कलर आ चुका है। अब आप लोगों ने क्या करना है, वीडियो के ऊपर क्लिक करना है। अब आप लोगों ने जो सैचुरेशन की थी ना प्लस, अब उसको हमने मैजनस करना है तो हमारी वीडियो बिल्कुल उसी तरह बन के आ जाएगी। यहाँ पे सैचुरेशन में आना है और इसको कर देंगे हम माइनस, ठीक है। माइनस में देखें अब हमारी वीडियो बिल्कुल ब्लैक 47.01 की तरह बिल्कुल बन के आ चुकी है। बहुत ही सिंपल तरीके, आप लोगों ने इस तरीके से इसको एडजस्ट करना है। सैचुरेशन -64 आप लोगों ने कर देना है और अगर वाइब्रेंस चाहें तो बढ़ा सकते हैं, अदरवाइज आप लोगों ने इसको भी रहने देना है। तो गाइस देखें बहुत ही ज़बरदस्त और कमाल की वीडियो फाइनली हमारी जो है वो तैयार होकर आ चुकी है। तो कुछ इस तरीके से आप लोगों ने वीडियो बना लेनी है। काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग में इस तरह की वीडियोज़ चल रही हैं, तो इस तरीके से वीडियो बना के आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पर ऊपर आप लोगों को एक्सपोर्ट ऑप्शन नजर आ रहा है, आप लोगों ने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। नीचे एक्सपोर्ट पे आप लोगों ने क्लिक करेंगे तो आप लोगों की वीडियो जो है एक्सपोर्ट होना स्टार्ट हो जाएगी। तो जैसे ही एक्सपोर्ट होती है हम रिजल्ट में आप लोगों को दिखाता हूँ कि किस तरीके से हमारी वीडियो जो है वो बन के आ चुके हैं। तो यहाँ पे देखें गाइज हमारी जो है वीडियो जो है वो यहाँ पे एक्सपोर्ट होकर आ चुके हैं। नीचे सेव पे आप लोगों ने क्लिक कर देना और यहाँ पे देखें हमारी वीडियो बिल्कुल सेम उसी तरह बन चुकी है जैसे कि हमने जो है वो पहले बनाई थी, ठीक है। पहले यूज आप लोगों को सिंपल में दिखाया था। तो गाइज इस तरीके से आप लोगों ने अपनी वीडियो बना लेनी है। तो गाइज वीडियो कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मजीद कुछ पूछना हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में नए ट्यूटोरियल के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।